कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसे लिंगायत उनको वोट नहीं दे? जिस पार्टी का इमेज ना हो इसकी गारंटी को कौन मानेगा? मुस्लिम रिजर्वेशन को एक साल पहले खत्म कर देना चाहिए। कोई भी टिकट का लिस्ट उठा कर दे, 20% चेंज हम करते ही मुझे तो एक शुभ संकेत दिखाई पड़ता है। पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतेंगे इस बार। अमित शाह जी, स्वागत है आपको इंटरव्यू में। माहौल क्या लग रहा है अमित शाह जी? बहुत अच्छा माहौल है। 6-7 बार आ चुके हैं अभी। नहीं, मेरा टोटल 17वां दिन है, 2.5 महीने में गिने तो। मैं पूरे कर्नाटक का लगभग मेरा दौरा हो चुका है। ज़्यादातर जिलों में गया हूँ, क्षेत्र तो सारे हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतेंगे इस बार। जब बीजेपी के हर नेता ये बात बोलता है तो मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत का तर्क क्या होता है? 2013 येडियुरप्पा को सीएम बनाने के लिए चुनाव हुआ, 2018 में एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस के खिलाफ। इस बार हमें एक इशू लेस, नरेटिव लेस चुनाव लग रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट हमें तो लग रहा है। आप इसको मैक्रो दृष्टि से देखते हो और परंपरागत ट्रेडिशनल इलेक्शन एनालिसिस के तरीकों से देखते हैं। अच्छा। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में पूरे देश भर के अंदर एक नई जाति खड़ी हुई है। वो जाति का नाम है लाभार्थी का जाति। अच्छा, द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज कर्नाटक के अंदर लगभग 4,10,000 लोगों को रहने का घर मिला है। मैं उसमें से कुछ लोगों को मिला हूं सभा के बाद। अच्छा। वो कहते हैं कि 7वीं पीढ़ी के बाद हमारे पास किसी का घर आया, विशेष करकर वंजारा कम्युनिटी। 7वीं पीढ़ी के बाद घर आया है। कर्नाटक के अंदर लगभग जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख परिवार है जिनके जीवन में पहली बार टैप वाटर आया है, नल से जल आया है और शुद्ध पीने का पानी आया है। कर्नाटक के अंदर 48 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 70 साल से शौचालय नहीं था, पहली बार शौचालय आया है। और किसान सम्मान निधि लगभग 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया सीधा कोई कमीशन के बगैर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। गैस का सिलेंडर 37 लाख महिलाओं को कर्नाटक के अंदर मिला है। और आयुष्मान भारत योजना 1.38 करोड़, मतलब 1,38,00,000 लोगों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य का कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता। मैं इसमें से ओवरलैपिंग को निकाल लूं तो भी कर्नाटक के 2 करोड़ लोगों को यह फायदा मिलता है। कर्नाटक के अंदर लगभग 3 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिलता है। आप लोग जब मैक्रो रूप से देखते हो सोसाइटी को, लिंगायत, वोकलिगा, ओबीसी, मुस्लिम, दलित, ट्राइबल, इस तरह से देखते हो तो आपको नहीं दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ये 9 साल में बहुत सारे नए क्षेत्रों में बार बार जीत रही है। मुझे लगता है आपको भी एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जर्नलिस्ट ही नहीं, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि मणिपुर में हमारा 0.03% वोट था। आज दूसरी बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 50% से ज्यादा वोट आया। असम जहां 37% माइनॉरिटी, मानते हैं कि माइनॉरिटी हमें वोट नहीं देती है, वहां पर हमारा 2 विधायक था, आज दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। त्रिपुरा में 27 साल से कम्युनिस्टों की सरकार है, दूसरी बार हम जीते। उत्तर प्रदेश में हमारे 30-35 विधायक हुआ करते थे। तो इसके पीछे अगर आप ट्रेडिशनल राजनीतिक विश्लेषण के, पॉलिटिकल एनालिसिस के तरीकों को आप उठाओगे तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। परंतु मुझे मालूम है जब मैं भाषण करता हूं तब जिसको घर मिला है वो ताली बजाता है, गैस मिला है उसमें ज्यादा मिलती है, शौचालय में सबसे ज्यादा मिलती है, अनाज में इससे भी ज्यादा मिलती है। तो मालूम पड़ता है कि इसके लाभार्थी जनता में बैठे सामने बैठे हैं।
और एक अलग प्रकार की जाति की निर्मित हुई है जो आप लोगों के काउंटिंग में नहीं है, मुझे मालूम है। विकास ही मुद्दा है कर्नाटक में? नहीं, ढेर सारे मुद्दे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से भी वो खुश है, दुनिया में भारत के दबदबे से भी वो खुश है, अंतरिक्ष में भारत की सिद्धियों से भी वो खुश है। आपको नहीं लगा? और कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है? चलिए मैं आपको काउंटर पूछता हूं, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कोई। कर्नाटक के मतदाता हमेशा सत्ता बदलते आए हैं, हर 5 साल में एक एक। ऐसा नहीं है, नहीं है। कई बार यहां पर जनता दल की सरकार 2-3 बार 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 आई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी 4 बार कंटिन्यूसली आई है। ये जो आंकड़े आपने बताए, आपके कर्नाटक के कोई नेता नहीं बोलता है? यहाँ तो इशू कुछ और है बीजेपी का। ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लाभार्थी की सूची लेकर घूमता है। मैं अभी 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीटिंग कर रहा हूं, सबके हाथ में सूची है, हमारे इंचार्ज के पास है, बूथ वाइज है, वो उसका कॉन्टेक्ट करता है। लिंगायत वोट बैंक की टेंशन हो रही है शायद आपको? जरा भी टेंशन नहीं। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसे लिंगायत उनको वोट देंगे? 2 ही लिंगायत मुख्यमंत्री 70 साल में कांग्रेस ने दिए और दोनों को अपमानित करके निकाल दिया। एक को इंदिरा जी ने किया और वीरेंद्र पाटिल जी को राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी ने एयरपोर्ट पर ही निकाल दिया। हमारे मुख्यमंत्री ही लिंगायत है, येदुरप्पा जैसा स्टालवर्ट लीडर हमारे पास है, हमारा एक स्टॉन्च बॉन्डिंग है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज लिंगायत में कोई छेद होने का। येडियुरप्पा हट गए या हटाए गए अभी सवाल वो नहीं है, मगर वॉज इट अ रॉन्ग डिसीजन आपको लगता है? जरा भी नहीं, येडियुरप्पा ने स्वयं मुझे कहा था कि पार्टी का 75 साल का नियम है, अब पार्टी जब भी चाहे हमें हटाए, हम निर्णय नहीं कर पाए तो थोड़ा लंबा चला। वो जो उद्देश्य होता है कुछ बदलाव का, आपको लगता है दैट इज अचीव्ड? देखिए, उद्देश्य से बदलाव नहीं हुआ है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ सीएम बनकर कंट्रीब्यूट होता है, ऐसी पार्टी नहीं है, हजारों कार्यकर्ता ऐसे जो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। और हमारे बड़े नेता होते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी कभी चुनाव नहीं लड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हर राज्य में सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ते ही नहीं, इट डजंट मीन कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। येदियुरप्पा जी ने स्वयं विधानसभा में कहा था कि आप खुश मत होइए, कांग्रेस को कहा था कि मैं इस बार भी आपको हराऊंगा, अगले बार भी अगर हराने आऊंगा। एक स्पिरिट के साथ येदियुरप्पा जी हमारी चुनाव की नेतृत्व कर रहे हैं। आप लक्ष्मण सोदी और जगदीश शेट्टर जैसे नेता छोड़ के जाना, आपको नहीं लगता? दोनों अपनी सीट पर 30,000 से ज्यादा मार्जिन से हारने वाले, टिकट फ्रॉम मी, और काउंटिंग के बाद मुझे फोन करना। मैं हुबरी के संगठन को 90 के दशक से जानता हूं, हुबरी व्यक्तियों को वोट नहीं देता है, पार्टी को वोट देता है। नहीं, आपको भी पता है कि हुबली सेंट्रल में जगदीश शेट्टर हारेंगे कि जीतेंगे, सवाल वो नहीं है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाताओं पर क्या प्रभाव होगा, सवाल वो। ऐसे नहीं होता, मतदाताओं पर ऐसा भी प्रभाव होता है कि एक व्यक्ति को इतनी बार विधायक बनाए, इतनी बार उप मुख्यमंत्री बनाए, इतनी बार मुख्यमंत्री बनाए, लीडर एक बार टिकट नहीं दी और विपक्ष के साथ आइडियोलॉजी के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में जा ही कैसे सकता है अगर वो आइडियोलॉजी बेस्ड कार्यकर्ता है, सेल्फिश नहीं है, तभी जा सकता है जब अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में। तो अपने आप को एक्सपोज कर लिए है। जनता ये भी तो देखती है, जनता पत्रकारों की तरह नहीं होती है, जनता व्यक्ति का कैरेक्टर देखती है। गड़बड़ कहां पे हुआ, मतलब कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना? जरा भी नहीं, तय किया था पार्टी ने आपको नहीं लड़ाना है, उनको बताया नहीं गया? बताया गया, मैंने स्वयं बताया कि आपको नहीं लड़ाना है, आपको पार्टी का काम करना चाहिए येदियुरप्पा जी की तरह। कोई गड़बड़ नहीं हुई, वो हजम नहीं कर पाए निर्णय को, गड़बड़ का क्या सवाल है? और ढेर सारे लोगों के टिकट नहीं होते हैं, गड़बड़ नहीं है। जगदीश शेट्टर ज्वाइन होते ही कांग्रेस ऐसे बिहेव करने लगी कि उनको बहुत बड़ी ताकत मिल गई। यही इनका दिवालियापन है कि इनके पास नेतृत्व ही नहीं है। अगर भाजपा से कोई आएगा तो ही वो जीतेंगे, वो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया शुरू में, चुनाव के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि हमारा नेतृत्व तो जीता नहीं पाता था भाई, ओ चलो अब जगदीश शेट्टर और ये आ गए सऊदी साहब तो हम जीत जाएंगे। इट मींस कि आप नहीं जीता पाते। लक्ष्मण सऊदी एमएलए थे, जगदीश शेट्टर सिर्फ एमएलए बनकर क्या करते थे? उन्होंने बता दिया था कि मैं
बोम्बई के नीचे मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो पार्टी ने फैसला लिया। ये पूरे 5 साल सऊदी एमएलसी थे। आपने लाभार्थियों के लिस्ट पढ़ रहे थे किन किन योजनाओं में कितने लाभार्थी हैं, मगर आपके खिलाफ कांग्रेस कंप्लेंट दर्ज की है कि आपने लोगों को डरा रहे हैं कि कम्युनल क्लैशेस हो जाएंगे अगर कांग्रेस आ जाएगी। उसकी जरूरत क्या थी अमित शाह जी? नहीं, मैं डरा नहीं रहा भाई, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। इस देश के कम्युनल क्लैशेस का इतिहास निकाल लो, 90% कम्युनल क्लैशेस कांग्रेस के शासन में हुए। आपको भी आंकड़ों का स्टडी करना चाहिए, 90%। अच्छा, तो आपको ये उनका रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड बताता हूँ जनता को। तो आप कर्नाटक के जनता, इसमें डराने की क्या जरूरत है? डरे कोई नहीं डरता इससे। चेतावनी दे रहे हैं आप कर्नाटक? ना, मैं बता रहा हूं। तो उस कंप्लेंट को लेके, कंप्लेंट के लिए क्या कहेंगे? कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने करिए, अथॉरिटी विल डिसाइड। मुझे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि मेरी मंशा क्या थी। कांग्रेस को कॉन्फिडेंट है उनके गारंटी स्कीमों के ऊपर? पांचवा गारंटी कल ही राहुल गांधी देखिए गुजरात में गारंटी कार्ड बांट रहे थे, यूपी में बांटे थे, उत्तराखंड में बांटे थे, आसाम में बांटे थे, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बांटे थे। इससे भी अच्छे अच्छे गारंटियां दी थी। जिस पार्टी का इमेज ना हो इसकी गारंटी को कौन मानेगा, बताइए। सवाल मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, मगर ये जो हमारे कैमरामैन है, 2000 रुपए घर में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नहीं मगर इसलिए आप बहक नहीं जाता दिल? जरा भी नहीं बहकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी शौचालय मिल चुका है मुफ्त में। अच्छा, 1 लाख रुपए का गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट घर में मिल चुका है, घर में बिजली का कनेक्शन बिना चार्ज लिए मिल चुका है उसको, 1 लाख रुपए का घर ही मिल चुका है, उसके घर में फ्री अनाज आता ही है, उसको 10,000 रुपया किसान को सालाना मिलता ही है। ऑलरेडी एडवांस में गारंटी की जरूरत नहीं है और एडवांस में मिल रहा है, उसको मालूम है कि सब बंद हो जाएगा, फिर ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, 2000 लेकर क्या करेगा बताओ। ये तो तर्क लगता है, लॉजिक लगता है। तर्क नहीं है, गरीब आदमी समझता है, आप नहीं समझते हो क्योंकि आप बेनिफिशियरी नहीं हो। बेनिफिशियरी चीज को समझता है। नहीं, मैं अलग तरह का बेनिफिशियरी हूँ सर। जब भी देश से बाहर जाता हूँ तो बदलाव नजर आता है, पहले कैसे ट्रीट होता था अब कैसे, अलग तरह के। नहीं, भारत का सम्मान बढ़ा है, पूरा भारत जो विदेश नहीं जाता है वो भी मानता है कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। यहाँ कांग्रेस के नेता मोदी जी के एक बयान की क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक करते हैं। मोदी जी बोले थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पे आपकी सरकार पे 40% करप्शन के एलिगेशन है, पीसीएम का कैंपेन चला यहाँ पे। मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि 40% करप्शन का किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह एक भी केस अगर हुआ है तो आप मुझे बताइए। हम दावणगेरे में बात कर रहे हैं, चन्नगिरी में आप ही के एमएलए के बेटे ने 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो हमने जेल में भेज दिया, टिकट भी नहीं दिया। फ्रेज बनाना बहुत सरल है, जनता ऐसे नहीं मानती भाई, जनता सोचती है क्योंकि रोज अनुभव आता है। करप्शन एक मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से कर्नाटक के? हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है करप्शन मुद्दा, कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी के लोगों के सामने जो एलिगेशन है इसका है। अगर डेवलपमेंट पे इतना ही भरोसा था तो ये रिजर्वेशन के डिसीजंस इतने जल्दी जल्दी में लिए गए हैं? नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं लिए, जरूरत थी उनके, लेट लिए है। नहीं, चुनाव के इतने जल्दी ना, जल्दी नहीं लिए है, लेट लिए है, बहुत लेट हो गया, जल्दी ले लेना चाहिए था। इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की मान्यता ही नहीं देता है। अगर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मिला है माइनॉरिटी को तो वो रद्द हो जाना चाहिए, और हमने कर दिया, थोड़ा लेट हो गया, ये बात सही है आपकी, 1 साल पहले करना चाहिए था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी। ये रिवर्स तुष्टिकरण लगता है कि कुछ लोगों को, वो 4% रिजर्वेशन देके तुष्टिकरण कर रहे थे, आप उसको छीन के तुष्टिकरण कर रहे। ऐसा है, देना या लेना दोनों चीजें संविधान के आधार पर होनी चाहिए।
मैं और आप दोनों एक बात पर एग्री होगी कि संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए। हमारे संविधान की कोई भी धारा में अगर रिलीजन बेस रिजर्वेशन का प्रोविजन हो तो कांग्रेस का कोई भी नेता मुझे बता दे, और अगर नहीं बता सकता है तो वो जस्टिफाई करे कि हमने किस चीज के लिए दिया था। इसको तुष्टिकरण कहते हैं। हमने तो करेक्ट किया है। और आपने तेलंगाना में बोला कि अगर वहां पे अधिकार में आएंगे तो वहां बिल्कुल भी? मुस्लिम रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है। ओबीसी जातियां जो होती है, मुसलमानों में ओबीसी जातियां होती है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुस्लिम एज सच नहीं मिलना चाहिए, हिंदू एज सच नहीं मिलना चाहिए, क्रिश्चियन एज सच नहीं मिलना चाहिए। कोई कास्ट अगर बैकवर्ड है तो उसको मिलना चाहिए, मगर मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे, हिंदुओं को रिजर्वेशन देंगे? कल को तो कोई सरकार आएगी सारे हिंदुओं को रिजर्वेशन, चलो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सवाल तो आपका ये है कांग्रेस को पूछने का कि आपने करा कैसे था। वो तो क्रेडिट लेते हैं उनका, तो मैं यही कहता हूं इसी को तुष्टिकरण कहते हैं। 4% मुसलमानों को मुसलमानों का रिजर्वेशन लेके आप उक्कलिगा को 2% और लिंगायत को 2% दे रहे हैं। नहीं ऐसा है, आप पूरी चीज को समझे ही नहीं। ये तीनों एक ब्लॉक में थे। 4% रद्द किया तो बाकी की दो ब्लॉक को 2-2% मिल गया। हमने किसी का बढ़ाया नहीं, बाय डिफॉल्ट बढ़ा है, मगर हाँ 2% वोकलिगा का और 2% लिंगायत का बढ़ा है। अभी कांग्रेस परसों सिद्धरामैया बोल रहे हैं कि वो अधिकार में आएंगे तो 70% तक रिजर्वेशन की रेंज बढ़ा देंगे। देखिए आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का एक जजमेंट है, 9 जज की बेंच का, कि नहीं कर सकते हैं। कौन मानेगा सिद्धरामैया जी की बात? उनको भी मालूम है, मगर वो नाराज है तो ऐसी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसे भी बोले कि लिंगायत मुख्यमंत्री के बारे में, वो भी सोच समझ कर ही बोले हैं। सोच समझ कर? हाँ, वो नाराज है तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अपनी। इससे थोड़ी ना कांग्रेस का फायदा है। और खरगे जी का स्टेटमेंट कैसे देखते हैं आप? जहरीला सांप बोले प्राइम। देखिए कोई खरगे जी पर नहीं है, कांग्रेस के सारे नेता मोदी जी के खिलाफ इतनी नीचे स्तर की भाषा का उपयोग करते हैं। एक जमाने में सोनिया जी ने मोदी जी को खून का सौदागर कहा था, मौत का सौदागर कहा था। प्रियंका जी ने उनको नीची जाति का बता दिया था। ये आपके कांग्रेस के कोई एमपी है हरिप्रसाद बीके, उन्होंने कुछ कहा था, मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा था, खड़गे जी ने कहा, मगर जब जब भी कहा है वो चुनाव निश्चित रूप से हम जीते हैं, तो मुझे तो एक शुभ संकेत दिखाई पड़ता है। Totally. और इन्होंने विड्रॉ भी किया शायद। हाँ, इनको मालूम पड़ गया है कि पब्लिक में बहुत रिएक्शन चुनाव का, ये डिस्कोर्स का स्तर बढ़ना चाहिए। वी डिजर्व अ बेटर डिस्कशन इन इलेक्शंस, वी एज अ वोटर। नहीं मैं मानता हूं, मगर अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, सभी ने बढ़ाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में जोश कम दिखाई दे रहा है ऐसा कोई सवाल ही नहीं है भाई। मैं तो घूम कर आया, आपके कैमरामैन भी वहां होते होंगे, विजुअल देख लीजिएगा। मैं कभी उदगिरी में कौन सा यादगिरी में यादगिरी ऐसा रोड शो सोच ही नहीं सकता। हाँ, पॉलिटिशियंस को पता लग जाता है लोगों को रिएक्शन देखे कि माहौल कैसा है। कभी सकलेशपुरा में जो रोड शो हुआ मैं सोच ही नहीं सकता, हसन की सकलेशपुरा सीट है, इस पर ऐसा रोड शो हो सकता है? मेरे पास तो स्टेटिस्टिक है भाई, सीटों का बैकग्राउंड भी मैं जानता हूँ बहुत कुछ, और ये दोनों सीटों पर मैंने पहले कार्यक्रम किए हैं। अच्छा, यादगिरी में भी किया है, सकलेशपुरा में भी किया है, और इस बार भी कर आया हूँ। बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं डिसिडेंट्स का आपको थोड़ा सरदर्द हो सकता है? देखिए ये तो सभी पार्टियों का सरदर्द है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक आइडियोलॉजी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है। बहुत लोग नाराज हो गए जिनको टिकट नहीं मिला और जिनको टिकट रिजेक्ट हो गया, सिटिंग MLA। नहीं, स्वाभाविक है नाराज होंगे, ये तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया चुनाव के वक्त होती है, और सब हर पार्टी को फेस करनी पड़ती है।
तो चुनाव पर असर नहीं होगी पार्टियां। कांग्रेस में ज्यादा नाराजगी हुई, क्या होगा बताओ तुम? रिबेल भी ज्यादा है उनके, स्वयं कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया जी भी नाराज है, अब क्या करेंगे बताइए। मोदी उनके स्टेटमेंट को सिर्फ आप एनालिसिस कर हर रोज एशिया नेट पे बताइए कि इनका आपका एनालिसिस क्या है इनके स्टेटमेंट का, 7 दिन के 7 स्टेटमेंट और आपका एनालिसिस बताओ। एक मेरे इंटरव्यू के बाद बताना जरा कार्यक्रम करके, हाफ एन ओवर प्रोग्राम ऑन सिद्धरमैया स्टेटमेंट। वो तो करते रहते हैं, आपके लोग भी ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, आज जतनाल जी बोल दिए विश्वकन्या सोनिया गांधी जी को, वो सोनिया जी के लिए बोले, ये तो कांग्रेस को नुकसान करने वाले 7 दिन एक 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 स्टेटमेंट दिए हैं। दिक्कत कांग्रेस को ये होती है, वो बार बार सवाल भी पूछती है कि मोदी को इतना बार क्यों लेके आते हो आप कर्नाटक में, दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट इलेक्शन, दिस इज अ विधानसभा चुनाव है। एक बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में चुनाव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव होता है। नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है और देश में कहीं पर भी चुनाव हो उनको जाना चाहिए। कांग्रेस को आदत पड़ी है मनमोहन सिंह की, जिनकी सभा ही नहीं हो सकती थी, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। मोदी जी को लोग सुनने आते हैं तो वो जाते हैं, मनमोहन सिंह जी को कोई सुनने नहीं आता था तो नहीं जाते थे। डेवलपमेंट की बात कर रहे थे आप अमित शाह जी, हम दावणगेरे में बैठे हैं, पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे, महदाई आप बोल रहे हैं बहुत कुछ किया है हमने, कांग्रेस वाले बोले कुछ भी नहीं हुआ है, महदाई कलसा बंडूरी जो गोवा के साथ लड़ रहे हैं हम। देखिए ऐसा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कांग्रेस क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं, जो हुआ है वो रिकॉर्ड पर हुआ है। महदाई में डिस्प्यूट लगभग रिजोल्व हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। कलसा बंडूरी का भी काम हो चुका है, अपर कृष्णा का भी काम हो चुका है, सब लोग जानते हैं। जेडीएस ये कहती है कि ये सब अगर समस्याएं खत्म होना चाहिए तो रीजनल पार्टी ही आना चाहिए, नेशनल पार्टी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको हर पार्टी के लिए गोवा में भी कुछ इंटरेस्ट होता है, कर्नाटक में भी कुछ इंटरेस्ट होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में इंटरेस्ट होता है। नहीं, मगर जब डिस्प्यूट 2 राज्यों के पास है तो रीजनल पार्टी कैसे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज इन अदर स्टेट। मगर दूसरा स्टेट मानेगा ही नहीं, कैसे रिजॉल्व कैसे होगा, झगड़ते रहो। उनका अपना स्टेटमेंट ही ऐसा है कि वो परिणाम नहीं ला सकते, मैं ऐसा नहीं मानता, वो ऐसा मानते हैं, वो मानते हैं। हम सब बेंगलोर में रहते हैं तो देखिए साहब, पूरी कर्नाटक की जनता अब जान चुकी है कि जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, जेडीएस कैसे सरकार बना सकती है बताओ। जेडीएस तो नहीं, हाँ फिलहाल माहौल तो ऐसा नहीं है, माहौल नहीं है, सीटें भी नहीं है, हाँ तो सरकार कैसे बना सके। आपके साथ मिलकर कर सकती है, हम नहीं करेंगे, तय है। लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम आप थोड़ा देरी से पहुंचे देवेगौड़ा। नहीं नहीं, हमने ऑफर ही नहीं किया है। आपके एक एमएलए भरी सभा में बोल रहे हैं अमित शाह जी कि मोदी जी और देवेगौड़ा जी के बीच में बातचीत हुआ है जेडीएस को वोट देने के बजाय। बातचीत नहीं हुआ, अच्छे संबंध है ऐसा कहा, मोदी जी तक तो सबसे अच्छे संबंध है, आप जाओ आपको भी चाय पिलाएंगे, पिलाना भी चाहिए। फिर डेवलपमेंट पे आता हूं मैं, बैंगलोर से आते हैं हम सब लोग, बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है अमित शाह जी बैंगलोर में, 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छा आपने पूछा है, बेंगलोर को जिस प्रकार से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, वो वास्तविकता है, परंतु ये लेगेसी प्रॉब्लम है। आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल और राज्य सरकार के 4 साल को एनालिसिस करना चाहिए। इन 9 साल में क्या हुआ वो मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। बेंगलोर के अंदर सबसे पहले लगभग 13,000 करोड़ रुपया हमने बेंगलोर मेट्रो के लिए दिया है। मोदी जी आए तब बेंगलोर में 7 किलोमीटर मेट्रो थी, आज 56 किलोमीटर हो चुकी है और 2024 के पहले 100 किलोमीटर हो जाएगी। 100 किलोमीटर मेट्रो आप
को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम को रिजोल्व करती है। इसके साथ साथ उपनगरीय रेलवे जो सबर्बन रेलवे होता है, इसके लिए भी मोदी सरकार ने 15,800 करोड़ रुपया, 40 साल से ये काम नहीं होता था, अब काम चालू हो चुका है। भूमि भी इसकी अधिग्रहित करने का काम हो और काम आगे, तो 13,000 करोड़ रुपया वहां दिया, 15,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपया हुआ। फिर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बनाने की शुरुआत की, उसकी कॉस्ट 15,000 करोड़ है, वो भी 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो और 15,000 करोड़ रुपये, करीब करीब 42,000 करोड़ रुपया होंगे। बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए और 9,600 करोड़ दिया है, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक मतलब ट्रेन है वहाँ पर, ऊपर नीचे से यातायात की व्यवस्था इसको किया है। अमरुत नगर उत्थान योजना के तहत हमने और 6,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु शहर के लिए दिया है और इसके 35 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीशन के कगार पर है। कावेरी जल आपूर्ति योजना के तहत बेंगलुरु शहर के पीने के पानी के लिए 5,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। बाढ़मुक्त बेंगलुरु के लिए 1,813 करोड़ रुपया हमने दिया है, कर्नाटक सरकार बेंगलुरु कॉरपोरेशन निकाल लेगी, तो ये लगभग 5,000 करोड़ रुपया होता है। और बेंगलुरु ग्रामीण से मांडिया का नेशनल हाईवे, इसका निर्माण 1,900 करोड़ रुपये से हमने शुरू किया है। बेंगलुरु का नया हवाई अड्डा और नया टर्मिनल हमने बना दिया 1,500 करोड़ रुपया से खर्चे से, कुल मिलाकर 75,000 करोड़ रुपया हमने ये 9 साल के अंदर बेंगलुरु के लिए खर्च करने का शुरू कर दिया है। काफी कुछ खर्च कर चुके हैं, परंतु आपकी बात सही है, ये लेगेसी प्रॉब्लम है। मेरा इतना ही कहना है कि हमने हमारे समय में जो हमें समय मिला एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और एज अ स्टेट गवर्नमेंट, तो 9-4 साल वहां और 4 साल यहां, इसमें हमने जरा भी कोताही नहीं की है। हमने प्लानिंग भी किया है, बजट भी दिया है और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी किया है। एक सवाल का जवाब मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूं अमित शाह जी, बैंगलोर सिटी को छोड़ के या ग्रेटर बैंगलोर को छोड़ के ओल्ड मैसूर के बाकी सब जिलों में आपका परफॉर्मेंस इतना क्यों लो रहा है? और इस बार दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत स्ट्रगल कर रही है वहां पे, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल टू विन, नहीं मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत, अच्छा। देखिए, स्वाभाविक रूप से ट्रेडिशनली ये जेडीएस और कांग्रेस के बीच में वहां लड़ाई होती थी, हमने मेहनत कर 4 साल में हमारा संगठन वहां बढ़ाया है। मेरी सबसे पहली रैली अगर बैंक कर्नाटक चुनाव में 2 महीने पहले हुई तो मांडिया में हुई, मांडिया में बहुत सफल रैली थी। मोदी जी भी मांडिया में चुनाव के पहले रैली कर चुके हैं और हम इस बार ढंग से वहां कॉन्सेंट्रेट कर अशोक को लड़ने के लिए भी जा, सोमन्ना को लड़ने के, हम कॉन्सेंट्रेट कर लड़ रहे हैं। वो क्या राजनीति थी? कोई राजनीति नहीं, अशोक को हमारी पार्टी, हम हमारी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं। अशोक हमारे बड़े वोकल लीगा लीडर है, वो वहां जाकर लड़ेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सोमन्ना बड़े लिंगायत लीडर है, वो वहां जाकर लड़ेंगे तो रिस्पांस मिलेगा। तो आप सीटों की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार ओल्ड मैसूर रीजन में? सीटें तो जरूर बढ़ेगी, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि अगले चुनाव में हमारे लिए वीक एरिया नहीं होगा, सीटें भी बढ़ेगी। जब कल्याण कर्नाटक की बात करेंगे तो एससी एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत आते हैं। 24 मार्च के दिन आपके यहाँ के सरकार ने एक डिसीजन ली रिजर्वेशन की, वो इंटरशिफ्टिंग के बारे में, दलित लेफ्ट, दलित राइट, और उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है स्पेशली बंजारा जैसे समुदायों में? जरा भी नहीं है। इसलिए एक तो बंजारा कम्युनिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, इतने सालों से बंजाराओं को अपनी जमीन का हक पत्रक किसी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरी बात, ये जो स्टेटिस्टिक पड़े थे राज्य सरकार के पास आबादी के और एडमिशन के, आबादी के और नौकरी के, इस स्टेटिस्टिक को स्टडी कर बैलेंस कर निर्णय किया गया है, किसी को अन्याय होने की संभावना नहीं है। और मैं विषय को बहुत थरली जानता हूं कि किस
प्रक्रिया कितनी डिटेल हुई है इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। पहले दिन का रिएक्शन हमें देखने को मिला, येडियुरप्पा जी के घर पे पथराव हुआ। वो ठीक है, येडियुरप्पा जी के घर पे कुछ बंजारा लोगों ने प्रदर्शन किया, परंतु हमने आंकड़े हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम को दिए हैं, स्टेटिस्टिक दिया है, 10 साल के जो बेनिफिट्स मिलते हैं इसका, और अभी जो दिया है ये इससे ज्यादा है। तो कम्युनिटी ऑन द होल आपसे दूर नहीं जा सकती, जरा भी दूर नहीं जा सकती। कई बार क्या होता है कि कम्युनिटी में पार्टी का कैडर जो होता है वो रिएक्शन देता है, तो एक ऐसी भ्रांति इल्यूजन खड़ा होता है कि कम्युनिटी रिएक्ट कर रही है। कैडर ऑफ द अदर पार्टी, मैं यही कह रहा हूं। मैं आज भी, हमारे वंजारा कार्यकर्ता थे मेरी मीटिंग में, अभी मैंने सबको खड़ा कहकर पूछा आपकी बस्ती में क्या है भी? उन्होंने तो 50 बेनिफिट्स मुझे गिना दिए। इस तरह का माहौल नहीं है, इतना सरल नहीं है। और अगर यही थ्योरी है तो लैब पूरा हमारे पास आ जाना चाहिए अगर आपकी थ्योरी सही है तो। ऐसे नहीं होता है, ना वो पूरा हमारे साथ आएगा ना ये पूरा चला जाएगा। नहीं, मैं, मुझे कांग्रेस पार्टी से किया गया सर्वे दिखा है, आई मीन आई तो फिर लैब का क्या सर्वे था कांग्रेस पार्टी का, वो तो साफ ही हो गए। अगर रिजर्वेशन से ही होता तो लेफ्ट और राइट का हमने बढ़ाया है तो दोनों कांग्रेस तो साफ हो गई फिर तो। उन्होंने तो दलित वोट की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, आशा भी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ का सरकार रिजर्वेशन पे उतना डिपेंडेंट क्यों हो गया अमित शाह? डिपेंडेंट नहीं है, गुजरात में एक सेकंड, क्या सरकार का सामाजिक न्याय को ढंग से करना दायित्व नहीं है क्या? आप रिजर्वेशन को क्यों चुनाव के चश्मे से देखते? सरकार का दायित्व है, ये निर्णय पहले भी लिया जा सकता था। मैं कहता हूं ना, लेट हो गया। मुस्लिम रिजर्वेशन को 1 साल पहले खत्म कर देना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया। वो ठीक है, लेट हुआ तो और लेट कर दे क्या? PFI का बैन बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि कर्नाटक के हिसाब से देखा जाए तो इट वॉज ए डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ इंपैक्ट दिखाई दे रहा है आपको? कितना बड़ा निर्णय था आपके हिसाब से? देखिए, बहुत बड़ा निर्णय है, मैं मानता हूँ देश के हित में निर्णय है और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हमने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और कर्नाटक नहीं, देश भर को इसका फायदा होने वाला है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश को तोड़ने की प्रक्रिया में लगा हो तो हम आँख मूंद कर नहीं देख सकते उसको। अरे तो अच्छा है अभी नहीं लगाया, वरना आप कहते कि चुनाव के कारण लगाया है। फैसले हमेशा चुनाव को नजर के में रख के नहीं होते हैं, चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, गवर्नमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। पत्रकार के आदत होते हैं हमेशा, नहीं वो तो आसानी से नहीं छोड़ते। ठीक है, मगर मुझे तो समझाना चाहिए कि आप गलत सोच रहे हो, आपका सोचने का तरीका भी गलत है। PFI पर बैन से न केवल दक्षिण भारत, पूरे भारत के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, मैं मुझे पूरा भरोसा है, और कर्नाटक को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इससे। मैं आंतरिक सुरक्षा पे ही बात करना चाहता हूँ। मोदी आने से पहले, मोदी आने के बाद 9 साल में बदलाव क्या, मतलब हाउ डू यू सी दिस? आप देखिए, गृह सचिव देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा के सारे आंकड़े थे, इसमें 70% की कमी हुई है, 8,000 लोग हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं, 9 अलग अलग आतंकवादी ग्रुप सरकार के साथ समझौता, कल ही मैंने एक समझौता किया, समझौता कर चुके हैं। कश्मीर में धारा 370 35 से चली गई है, कश्मीर में भी 6% हिंसा का रेट रह चुका है, 6% हाईएस्ट से। पथराव की घटनाएं लगभग 0 हो चुकी है, आतंकवादी मारे जाते थे 50,000 लोगों के जनाजे निकलते थे, आपने कभी ये आपके टीवी में दिखा नहीं सकते हो क्योंकि निकलते नहीं है, पथराव भी नहीं दिखा सकते हो क्योंकि पथराव होता नहीं है। नक्सली हिंसा 20% बच गई है, 100 थी वहां से 20%, और PFI पर बैन से लेकर ये अभी अभी जो पंजाब में हुआ इसमें हमने NSA लगाया, बाकी सारे कठोर कदम उठाए पंजाब सरकार के साथ लेकर, आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा सुधार हुआ है,
इस बीच सतपाल मलिक का एक स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दैट, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर सतपाल जी गवर्नर रहते हुए देखते तो इसकी क्रेडिबिलिटी थी। अगर ये देश के विरुद्ध का कोई काम उनको नजर में आया तो उन्होंने क्यों नहीं बोला उस वक्त? अच्छा, आपको पूछना चाहिए उनको कि साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले आप, तो आप तो राष्ट्रभक्त व्यक्ति हो, राष्ट्रभक्ति अचानक 7 साल के बाद क्यों जागी है जबकि चुनाव आया है? तो आपको लगता है कि देश सुरक्षा के विषय में भी पॉलिटिक्स बहुत चलता है? ऐसा नहीं है, देश की जनता इस तरह के स्टेटमेंट से ना प्रभावित हो। देश की जनता को वास्तविकता मालूम है। नॉर्थ ईस्ट में अभी 3 चुनाव थे, तीनों चुनाव में हम जीत गए, भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई, तो लोगों को मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा अच्छी है। नेशनल इश्यूज कुछ और होते हैं, स्टेट इश्यूज कुछ और होते हैं। बीजेपी पे आरोप यह है कि नेशनल इश्यूज को स्टेट इलेक्शन में लेके आते हैं, वो मोदी सेंट्रिक इलेक्शन करना चाहती है, प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन करना चाहती है। नहीं नहीं, मोदी जी हमारे नेता है, मोदी जी की लोकप्रियता का हमें फायदा होगा ही होगा और होना भी चाहिए। परंतु मैंने अभी बेंगलोर का पूरा डेवलपमेंट आपने पूछा तो आपको गिना दिया, ये सेंटर का इश्यू है क्या? मैंने इतने सारे लगभग 5 करोड़ बेनिफिशियरियों की सूची आपको बताई, ये कर्नाटक के बाहर के नहीं, कर्नाटक की बाउंड्री में है। मैं अभी जहां बैठा हूं वहीं का आपको बता दूं, मानो कितने बड़े निर्णय कर्नाटक के लिए हमने किए। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ रुपया हमने दिया है, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे 8000 करोड़ रुपया दिया है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे 17000 करोड़ रुपया दिया है, बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेस वे 31000 करोड़ रुपया दिया है, बीदर कुलबर्गी बेल्लारी 7600 करोड़ रुपया दिया है, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को हमने मंजूर किया है, शिवमोगा और कलबुर्गी में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, हसन विजयपुर कोलार रायचूर इस सब जगह पे नए एयरपोर्ट प्लान किए हैं। तो सेंटर का नहीं है, ये यहीं का है और यहां की जनता को मालूम भी है। दक्षिण भारत के राज्यों में एक और इमोशनल इशू होता है अमित शाह जी, हिंदी इम्पोजिशन का। एनईपी मातृभाषा शिक्षण के लिए बहुत जोर दे रही है, ये सब उसके बीच में समहो कर्नाटक में कोशिश चलती है कि बीजेपी को हिंदी पार्टी करके कोशिश कुछ भी करे। कन्नड़ भाषा के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस की सारी एग्जामिनेशन मोदी जी आने के बाद कन्नड़ में देने की शुरुआत हुई। हमने सारे एग्जामिनेशन के अंदर कन्नड़ को सब भाषाओं को किया, अकेले कन्नड़ नहीं, शेड्यूल लैंग्वेज सारी करी। अभी सीआरपीएफ के एग्जामिनेशन में कन्नड़ को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो कन्नड़ का व्याप बढ़ाया है। हमारा तो आग्रह है सभी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, मगर एक बात मुझे बनाइए, प्रियंका गांधी यहां आएगी तो कौन सी भाषा में बोलेगी? हिंदी में। हिंदी में तो फिर ये हिंदी इम्पोज कर रही है क्या? इम्पोज करना नहीं होता है। मैं गुजरात से आता हूं, कन्नड़ जानता नहीं हूं, तो मैं हिंदी में बोलूंगा भाई, बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जितना किया है इतना कोई सरकार ने आजादी के बाद नहीं किया है। मेडिकल की एग्जाम हमने कन्नड़ में कर दी, गुजराती में भी कर दी, मराठी में भी कर दी, मतलब सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस। फिर इंजीनियरिंग की एग्जाम हमने कर दी, फिर आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्जाम हमने कर दी, अब कांस्टेबल लेवल की एग्जाम भी हमने सारी भाषाओं में कर दी। तो कन्नड़ माध्यम में पढ़ा हुआ एसएससी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अब एग्जाम दे सकता है, पहले नहीं दे सकता था, पहले सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ली जाती थी, ये कांग्रेस के समय से हिंदी और इंग्लिश में ही ली जाती थी।
अब मुझे बताइए ग्रामीण कन्नड़ लड़का कैसे एग्जाम देगा, वो तो कन्नड़ मीडियम में पढ़ा है, अब वो दे सकता है? ये तो हमने किया है भाई। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कंटिन्यू होंगे कि बदलेंगे? नहीं नहीं, अभी तो चुनाव चल रहा है, ये मुख्यमंत्री है ही हमारे। हाँ। पहले एक बात स्पष्ट कर दो कि हमने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही मुख्यमंत्री हमारा चुनाव को लीड कर रहे हैं। अब चुनाव के बाद जो सरकमटेंसेस होंगे, हमारी मेजोरिटी होगी, उस वक्त पार्टी विचार करेगी। सर्वेस तो बहुत करवाते हैं आप, कितने नंबर का उम्मीद है? देखिए, मैं सर्वे में हमेशा कार्यकर्ताओं का पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ज़्यादातर चैनलों का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा होता है, चुनाव होता है तब हमें पीछे दिखाते हैं, चुनाव बीच में आता है तो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, चुनाव के दिन हमें बरोबर बरोबर करते हैं, एग्जिट पोल में जीत जाएंगे शायद ऐसा बताते हैं और अंत में हम जीत जाते हैं। आप सारे सर्वे का स्टडी करो, मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं करता हूँ। कितने सीटों का उम्मीद है सर? मैं मानता हूं हाफवे मार्क पर प्लस 15 से कम नहीं रहेंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूं। अच्छा, अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो सवाल ही नहीं मेजॉरिटी न होने का। मैं तो घूमता हूं भैया नीचे, जनता को मिलता हूं, देखता हूं, इसका रिस्पांस देखता हूं, 100% मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। 2018 में मैंने ही इंटरव्यू किया था अमित शाह जी, आपने यही वाक्य बोला था। नहीं ठीक है, हम कितना आए, 106 आए, 104 सबसे बड़े हम थे। यू आर सिंगल लार्जेस्ट। नहीं, 106 थे, हमारे ही दो प्रत्याशी निर्दल थे, कुल मिलाकर 106 आए थे, हम 6 सीट दूर रहे थे, कोई ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं आया था। तो फिलहाल जेडीएस से कुछ सवाल? फिलहाल नहीं, कभी नहीं। मैं तो कर्नाटक की जनता को विनंती करना चाहता हूं कि जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, आप आपका वोट तय करिए। एक डबल इंजन सरकार के प्लान लेके जा रहे हो, क्या होगा अगर सेंट्रल में कुछ और पार्टी की सरकार है, राज्य में कुछ और पार्टी की? मैं बताता हूँ क्या, क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ, एक ही योजना, किसान समृद्धि योजना, हमने सिद्धरामैया जी से लिस्ट मांगा था, ये अपने क्या नाम जेडीएस के कुमारस्वामी जी से लिस्ट मांगा था, पहले सिद्धरामैया जी, किसान सम्मान का, किसान सम्मान निधि का 17 लाख लोगों का लिस्ट भेजा था, आज वो 54 लाख है। उनको भय था कि मोदी जी का चेक अगर डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा तो हमारी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आता है ना डबल इंजन सरकार का फायदा क्या है? इसी तरह से घर का लिस्ट भी बढ़ जाता है, इसी तरह से आयुष्मान भारत का लिस्ट भी बढ़ जाता है, बेनिफिशियरी का लिस्ट बढ़ता है, बट नेचुरल है। मानो केजरीवाल जी अभी आयुष्मान भारत योजना चालू नहीं करे, क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं है। ममता बनर्जी चालू नहीं करे, क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं, उनको भय है कि 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा मिल जाएगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, अगर भाजपा सरकार होती तो भेज देती। कर्नाटक बीजेपी में आप गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं क्या? गुजरात में जिस तरह की टिकट बांट होती है, गुजरात में जिस तरह टिकट डिनाई होता है, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट द सेम थिंग इन कर्नाटक बीजेपी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा टिकट में बदलाव करती है, हमारा 20% टिकट बदलने का रेशियो पहले से है। ये गुजरात का ये चर्चा चली यहाँ पे गुजरात मॉडल का? चर्चा जो चली मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, आप कोई भी टिकट का लिस्ट उठा कर देख लो, 20% चेंज हम करते ही करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का कुछ अच्छा रिजल्ट हिमाचल में नहीं आया आपको? नहीं, वो ठीक है, चुनाव हारते जीतते हैं, मगर हमारी पार्टी तो पार्टी के संगठनात्मक रिक्वायरमेंट के आधार पर चलेगी। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा कर्नाटक में काम किया है, हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी काम करती है यहाँ पे, इस बार आपको देखते हैं आप काउंटिंग तक रही। मुद्दा नेशनल लेवल पे चर्चा में आती है और कर्नाटक में भी बार बार होते हैं सर, सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार करके। मैं किसी से बात कर रहा था कांग्रेस वालों के, बोला कि अभी मोदी आना बाकी है और अमित शाह योगी आएंगे तो रुख बदल सकता है, ऐसा बोला तो कांग्रेस वाले बोल रहे थे हाँ मोदी आएंगे
अमित शाह आएंगे, योगी आएंगे, ईडी आएगी, आईटी आएगी, सीबीआई आएगी, वो सब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, ऐसा कुछ देखिए सालों क्यों है, इस सालों से हो रहा है। मैं इसको जस्टिफाई करना नहीं चाहता, अगर ये गलत है तो अदालत में जाना चाहिए। गए थे, गए तो अदालत जो करेगी वो होगा, वो ईडी अदालत के परव्यू के बाहर नहीं है, ना सीबीआई है। उनके समय में भी ढेर सारे लोगों पर केस किए थे, सारे लोग अदालत में गए थे, कोई काले कपड़े पहनकर नहीं निकला था। चुनाव के नजदीक आते ही डीके शिवकुमार का कुछ केस की डेवलपमेंट हो जाता है। अरे उनके पर 3 साल पहले केस हुआ था भाई, डीके शिवकुमार कहां चुनाव के नजदीक बात करते हो, कितने साल हो गए, 3-4 साल पहले हुआ था केस, तब से तो दाढ़ी बढ़ाई है, दाढ़ी बढ़ाई है, लगता है उनका कुछ प्रतिज्ञा है, मालूम नहीं क्या है क्योंकि तो बहुत साल हो गए, चुनाव के नजदीक नहीं हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 3 और प्रमुख राज्यों के चुनाव होने वाला है। हम हमारे मजबूत राज्य हैं, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अभी तो चुनाव की देर है, वहां पर नजदीक आएंगे तब बात करेंगे। परंतु 24 के चुनाव का मैं देश भर में दौरा करता हूं, मैं नैरेटिव देख रहा हूं और जनता का रिस्पांस भी देख रहा हूं। 24 के चुनाव में हम फिर से एक बार 300 से ज़्यादा सीटों के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सुनिश्चित है। मैं देश भर में घूमता हूं और लोकसभा के चुनाव के लिए ही घूमना मैंने शुरू किया है अभी तो, इसलिए मुझे पल्स मालूम है। तो आपको यकीन है कि May 13th को बीजेपी के लिए एक आशादायक दिन होगा, अच्छा दिन होगा? हाँ अच्छा, हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छा दिन होगा हमारे लिए। धन्यवाद अमित शाह जी, इतने नमस्कार।